एक महीने में सुशांत के 50 सिम कार्ड का सस्पेंस। उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। सुसाइड से पहले किसने दी सुशांत की मौत की खबर? सुशांत की मौत पर दो बड़े खुलासे। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सस्पेंस 16 दिन बाद भी बरकरार है। 16 दिन बाद हुए हैं चौंकाने वाले खुलासे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किसने सुशांत की सुसाइड से लगभग 2 घंटे पहले ही सुशांत की मौत की खबर दे दी थी। लेकिन पहले देखिए सुशांत के 50 सिम कार्ड्स की उलझी हुई कहानी। उस पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। जाने माने अभिनेता शेखर सुमन ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किया है चौंकाने वाला खुलासा। उस पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। आखिर क्यों बदले सुशांत ने एक महीने में 50 सिम कार्ड? उस पिछले महीने में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या सुशांत को किसी का डर था? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा है। क्या सुशांत किसी से बचना चाह रहे थे? जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। शेखर सुमन की माने तो सुशांत सिंह राजपूत ने पिछले एक महीने में 50 सिम कार्ड बदले थे। 2 दिन पहले सुशांत के पिता से पटना में मिलने के बाद शेखर सुमन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सुशांत की मौत को सामान्य न मानते हुए कई ऐसे दावे किए जो बेहद सनसनीखेज हैं। उसने कई सिम कार्ड्स पिछले महीनों में करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। क्या वजह थी? सिम कार्ड आदमी क्यों चेंज करता है? सिम कार्ड आदमी तब चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई थ्रेट हो, जब कोई खौफ हो तो वो सिम कार्ड चेंज किया जाए। शेखर सुमन की बातों पर अगर यकीन किया जाए तो सुशांत ने एक महीने में लगभग 50 सिम बदले थे। अगर ये बात सही है तो ये पुलिस जांच में काफी अहम कड़ी साबित होगी। शेखर सुमन का ये भी कहना है कि वो नहीं मानते कि सुशांत ने खुदकुशी की है, क्योंकि खुदकुशी से पहले लोग अपनों के नाम कोई ना कोई आखिरी चिट्ठी जरूर छोड़ते हैं ताकि उनके जाने के बाद उनके करीबी लोगों को पुलिस परेशान न करे। और मेरा सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुशांत जिस किस्म का लड़का था और जितना जीवट और जितना कर्मठ था और जितना होशियार था और जितना वो जिम्मेदार था, अगर वो इस तरह आत्महत्या करता तो एक सुइसाइड नोट जरूर छोड़ के जाता। कोई भी करता है, किस लिए करता है? वो इसलिए क्योंकि जाने वाला ये सोच के जाता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जो चाहने वाले हैं या जिनको मैं चाहता हूं, जो मेरे निकटतम लोग हैं, वो शक के दायरे में ना जाए, ना फंस जाए। तो ही लीव्स अ सुसाइड नोट व्हेन ही कैटेगोरिकली स्टेट्स दैट आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ माय ओन विल एंड वॉलिशन। मैं अपनी मर्जी से, अपनी परेशानियों की वजह से ये कर रहा हूं और इसके लिए किसी को दोषी ना ठहराया जाए। देयर वाज नो सुसाइड नोट। अगर सुसाइड नोट होता तो ये ओपन और शक केस हो जाता, उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता, हम लोग सब बिलीव भी कर जाते। जस्टिस फॉर सुशांत फोरम के नाम से सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले शेखर सुमन ने सुशांत की मौत पर और भी कई सवाल उठाए हैं। सीसीटीवी कैमरा से छेड़छाड़, एक डुप्लीकेट चाबी जो थी वो मिसिंग है, फिर जो ऊंचाई बताई जा रही वो इतनी कम है क्योंकि बंबई में जो छत है इससे ऊपर नहीं होती, वहां उसके ऊपर बिस्तर पे चढ़ के फिर उनकी अपने उनका कद जो 6 फीट का था तो जगह ही नहीं बच जाती है कि आप लटके, फिर पहले इस कपड़े से, फिर बाथरोब से, फिर कुर्ते से लटका, वगैरह वगैरह। ये बात नहीं, आदमी जब खुदकुशी करता है तो उसका चेहरा जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, क्योंकि यू डाई ऑफ एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिएशन से जब हम मरते हैं, चोक करके मरते हैं, आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, आपकी जीभ बाहर आ जाएगी, दे विल बी फ्रॉथिंग बाय एट द माउथ, सलाइवा निकलेगा, आपकी गर्दन टूटेगी, जहां से कपड़ा लगाया गया है वहां रॉड पंखे का जो ब्लेड्स है उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। शेखर का यह भी कहना है कि वैसे तो सुशांत की मौत संदिग्ध मौत है,
लेकिन अगर उन्होंने सुसाइड किया है तो बॉलीवुड में चल रही गुटबाजी ही उसकी मौत की जिम्मेदार है। ये क्या हुआ अचानक? और अगर उसने प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से हुई तो वो लोग कौन थे जिनकी वजह से, दैट इज कॉल्ड अबेटमेंट टू सुसाइड। अगर आपने आत्महत्या भी नहीं किया लेकिन उनके पीछे वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसकी वजह से वो मजबूर हो गया अपने जाने। जो लड़का रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्लेस्टेशन पे था, जो एक ग्लास जूस मांगता है आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात कौंधी, उसने कहा चलो अब उठते हैं सुसाइड कर। ये बात हजम नहीं हो रही। शेखर सुमन के इन आरोपों का आधार क्या है इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी तक की तफ्तीश में पुलिस ने इसे सुसाइड ही माना है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे सुशांत की मौत से 2 घंटे पहले ही आ गई थी सुशांत की मौत की खबर। सुशांत की मौत की तारीख 14 जून 2020। सुशांत की मौत का वक्त सुबह के लगभग 11 बजे। विकिपीडिया पर सुशांत की मौत की खबर सुबह के 8:59 यानी सुशांत की मौत से लगभग 2 घंटा पहले। आखिर कैसे विकिपीडिया ने सुशांत की मौत की खबर उसके मरने के लगभग 2 घंटे पहले ही अपनी साइट पर डाल दी थी? क्या कोई था जिसे सुशांत की मौत की खबर पहले से ही थी? क्या सुशांत की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश है? सुशांत की मौत की जानकारी आखिर विकिपीडिया पर कैसे 2 घंटे पहले ही आ गई थी? हैरान करने वाली बात यह है कि ये जानकारी सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगी। सुशांत के फैंस और चाहने वाले विकिपीडिया पर डाली गई सुशांत की मौत की खबर के वक्त को देखकर हैरान रह गए। मुंबई पुलिस की सूत्रों के माने तो साइबर सेल से मिली जानकारी के मुताबिक विकिपीडिया यूटीसी टाइमलाइन को फॉलो करता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइमलाइन से तकरीबन 5 घंटे पीछे। ऐसे में इस फैक्ट को वेरीफाई किया गया जिसमें पता चला कि विकिपीडिया पर हुई अपडेट में छेड़खानी नहीं है।